Hello everyone, assalamu alaikum, welcome, khushamadi jiyanu and bakhair ravle to all my very beautiful listeners out there. I hope aap tamam log theek thaak honge, maze mein honge aur hamesha ki tarah enjoy kar rahe honge. This is I me and myself Kuratulan Abbasi, lekin ab main hamesha ki tarah weekend bus ke saath nahi aayi hoon, balki ek naye andaaz mein aur ek naye program ke saath. Aur ye program एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि मुझे लगता है, बल्कि सबको ही लगता है कि अगर एजुकेशन ना हो तो किसी भी मुआशरे की तरक्की इतनी आसान नहीं होती. और हम अगर चाहते हैं कि हम भी तरक्की करें तो हमें अपनी एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और बनाना भी है. तो हम वो कैसे कर सकते हैं? बेहतरीन सब्जेक्ट जो हैं उनका इंतखाब करके, बेहतरीन फील्ड जो हैं उनका इंतखाब करके. तो उन सब के लिए हमें कुछ उनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अच्छे इदारों में तो अब बाकायदा एजुकेशनल जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और वो गाइड करते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली कि आपके बेटे को या आपकी बेटी को यहाँ जाना चाहिए. किसी ज़माने में सिर्फ ये होता था कि लड़का है तो डॉक्टर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा. अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा फील्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें भी आपको सोच समझ कर जाना है. तो हमारा ये प्रोग्राम द करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ आपके लिए, जहां पर आपको ऑलमोस्ट इस वक्त मौजूद जितने भी करियर्स हैं, जितने भी एजुकेशनल फील्ड्स हैं, हम आपको बताएंगे कि वहां पर क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके आउटकम आपको मिल सकते हैं अगर आप वहां जा रहे हैं. ठीक है, और मजे की बात कि अब मैं अकेली नहीं होंगी, हमारे हर शो में हमारे साथ उस फील्ड का एक एक्सपर्ट जरूर मौजूद होगा जो आपको बताएगा उसके तजुर्बे बात. क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते ना, तो सिर्फ डिग्री भी हमारे लिए काम की नहीं होती है. तो अगर हम बात करते हैं एचआर की, हम बात करते हैं मार्केटिंग की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जिसका स्कोप अभी तो नहीं लेकिन 5-10 साल शायद इतना ज्यादा नहीं कंसिडर करूंगी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसी जमाने में एमबीए का पार्ट था ही नहीं. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और इस शो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. नई सुबह वेब रेडियो पर करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ आप सुनेंगे कुरतुलैन अब्बासी के साथ. तो आज पहला शो लिंग्विस्टिक के हवाले से है, लैंग्वेज के हवाले से है कि अगर हम इसे एज अ डिग्री परस्यू करते हैं आगे इन फ्यूचर तो क्या क्या फवायद हमें हासिल हो सकते हैं. हमारे पास हमारी आज की एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जिनसे मैं आगे आपको मिलवाऊंगी. और लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूँ कि आप लोगों का फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है. हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि ये एक हमारे लिए पावर बूस्टर होता है. तो 0330860072 इज द नंबर जहाँ पर आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं. www.naisubah.org/radio जी, जहाँ पर आप मुझे अभी सुन रहे हैं ये यहाँ का एड्रेस है, लेकिन फेसबुक पर अगर आप कोई कॉमेंट देना चाहें तो फेसबुक भी मौजूद है, www.naisubah institute, बीच में .com लगा दीजिएगा क्योंकि वो तो होता ही है फॉर श्योर. तो आपको मैंने सारे एड्रेसेस बता दिए हैं और अब हम अपने शो का बाकायदा आगाज करते हैं. और मैं आपको पहले बता रही थी कि हमारी जो एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी मेहमान है और ये हमारे आज के शो की एक्सपर्ट भी हैं और आपको बताएंगी आज जिस हवाले से हम लोग बात कर रहे थे उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या स्कोप है और किस तरह के लोगों के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो बेस्ट है और किस तरह के जो लोग हैं वो इसकी तरफ ना जाएं तो बेहतर होगा. लेकिन ये मैं नहीं, ये हमारी एक्सपर्ट आप लोगों से बात करेंगी और आप लोगों को क्लेरिफाई करेंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको डेफिनेटली इस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए और आप जो है फिर शाइनिंग स्टार बन सकते हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इंडीड. एंड जैसे कि रिदा आपको आइडिया है कि आज का जो हमारा शो है एक्सक्यूज मी थोड़ा सा मौसम की वजह से, आई होप यू अंडरस्टैंड बट डोंट माइंड. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिटरेचर एज वेल एज लिंग्विस्टिक, कि अगर ये हम इसे एज अ फील्ड लेते हैं तो किस तरह के बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं इन फ्यूचर. लेकिन उससे पहले मैं रिदा जानना चाहूंगी, मुझे तो बल्कि बहुत कुछ पता है लेकिन लिसनर्स के लिए आप बता दें कि व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्लीज उस हवाले से थोड़ा सा बताएं ताकि फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें. थैंक यू वेरी मच. वेल आई हैव डन माय बीएस इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, द फील्ड्स यू वर टॉकिंग अबाउट, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मेरा बीएस है और मास्टर्स है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में.
माशाल्लाह। और रिदा, आप इस तरफ किस तरह से आई, मतलब आपने ये ही क्यों चुना, कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं? वी हैव लॉट्स ऑफ अदर फील्ड्स लाइक साइंस है, लेकिन ये आर्ट्स में आती है जो लिंग्विस्टिक है, तो साइंस नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, कंप्यूटर्स नहीं, व्हाई यू सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट एज योर करियर? एक्चुअली दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस फील्ड के ये ताल्लुक तो आर्ट्स से रखती है, लेकिन क्योंकि लिंग्विस्टिक के अगर आप लिटरल मीनिंग की तरफ ही गौर करें तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। तो डेफिनेटली इसमें हम लैंग्वेज को साइंटिफिक एस्पेक्ट से और पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो इट्स समथिंग रियली मार्वेलस। और पर्सनली मुझे इसने अट्रैक्ट इसी वजह से किया कि आर्ट्स के स्फीयर में रहते हुए भी इट्स एन अमेजिंग स्टडी जहाँ पर आप लैंग्वेज एवोल्यूशन, लैंग्वेज प्रोग्रेशन, आई मीन किस तरह से लैंग्वेज बनती है, फिर सोसाइटी में किस तरह से यूज़ होती है, फिर आप लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, और सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ कैसे हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए पर्सनली बहुत अपीलिंग थी, एंड दैट इज़ द रीज़न आई प्रेफर्ड लिंग्विस्टिक्स ओवर लिटरेचर इन माय मास्टर्स डिग्री एज वेल। ग्रेट रिदा। और अगर बात हो इसके स्कोप की और एज वेल एज इसकी इम्पोर्टेंस की, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? और एज वेल मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जॉब का कहाँ कहाँ मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है इंग्लिश लिंग्विस्टिक में या अप्लाइड लिंग्विस्टिक में मास्टर्स करने के बाद। आप कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो अच्छी कंसिडर की जाए, मतलब एक तो होता है ना कुछ कहीं पर भी एडजस्टमेंट नहीं, तो वो कहाँ कहाँ ऐसी जगह है, जैसे कि आप सी एस एस कर सकते हो, आप ये करने के बाद एम्बेसी में जा सकते हो, तो आप इस हवाले से और मजीद क्या गाइड कर सकते हैं कि लोग क्या क्या कर सकते हैं, स्कोप, इम्पोर्टेंस, और उसके बाद आप ये मुझे प्लीज बताइए। वेल, अगर इसकी स्कोप की बात करें तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटल इश्यूज और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की एक फील्ड के थ्रू आपको दूँ, तो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ये लिंग्विस्टिक्स की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम रिटन और स्पोकन डेटा के थ्रू क्रिमिनल्स को जो है बेसिकली ट्रेस और आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स होती है जिसमें बेसिकली लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी की जो अमेलगमेशन है उससे किस तरह से प्रोग्रेस होता है लाइक सोसाइटी में, और इसके अलावा किस तरह से प्रोग्रेशन AI इसकी जो है वो लेटेस्ट एग्जांपल है। ChatGPT बहुत से लोग अपनी रियल लाइफ में और बहुत सारे इंस्टेंसेस में यूज़ करते हैं। तो ChatGPT के पीछे बेसिकली लैंग्वेज मॉडल होता है जो लाइक लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और लिंग्विस्ट्स जो हैं वो उसमें हेल्प करते हैं ऐसी चीज़ों को डिफाइन करने में। और इसका स्कोप और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत वाइडर है। आपने इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के बारे में पूछा, और डेफिनेटली कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें लिंग्विस्टिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही। आप मीडिया की तरफ चले जाएं, एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ चले जाएं, लिंग्विस्टिक्स वहाँ आपको ऑपरेट करती हुई नज़र आएगी, इनफैक्ट बास जगह रूल करती हुई नज़र आती है। आप फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं, अगर हम स्पेसिफिकली मीडिया की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट्स में हमारे पास लिंग्विस्टिक्स की एक स्पेसिफिक फील्ड काम करती है जिसे हम स्टाइलिस्टिक्स एनालिसिस कहते हैं। ये फील्ड एडवर्टाइजमेंट्स को और हर तरह की का जो रिटन टेक्स्ट होता है और स्पोकन डेटा होता है उसके फीचर्स बताती है, और इन फीचर्स के थ्रू हम बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो एडवर्टाइज़र है वो उसकी बेसिकली इंटेंशन क्या है, वो किस तरह से ऑडियंस की अटेंशन ग्रास करता है। तो जो लैंग्वेज इंटरप्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग और इस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हम ये समझते हैं कि अगर इफ़ इट्स ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक्स तो इसमें सिर्फ वर्बल डेटा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वर्बल के अलावा ग्राफिकल डेटा हो गया, जैसे पिक्चर्स हो गई, उनका पोर्ट्रेयल कैसे हो सकता है, किस किस्म का ग्राफिक किस किस्म का इम्पैक्ट छोड़ेगा जो ऑडियंस है उसके ऊपर, या बेसिकली जो आपकी इंटेंडेड व्यूअर है उस इमेज का, तो इस तरह से। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप देखें, IELTS इज डेफिनेटली इसकी इम्पोर्टेंस से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यहाँ एक लिंग्विस्ट बेस्ट वे में अपना रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा एक और अमेजिंग फील्ड या फील्ड ऑफ बेसिकली जॉब जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, दैट इज़ स्पीच
पैथोलॉजी या जैसे आप कहते हैं कि स्पीच थेरेपी बेसिकली इज द फील्ड. तो हमारा जो लिंग्विस्टिक्स में फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का सब्जेक्ट है, इससे आगे ये फील्ड निकलती है, यानी ये रास्ता है. और इससे इसमें डेफिनेटली आप फर्दर डिप्लोमास करते हैं और स्पेशलाइजेशन जो है. लेकिन जो इनिशियल नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज होता है, दैट इज अबाउट लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज और फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, यानी साउंड से रेलिवेंट टू लैंग्वेज का पोर्शन होता है. वो फिर स्पीच थेरेपी में भी हेल्प करता है. तो आप देखें कि ये चीज जो है वो आपको मेडिकल प्रोफेशन की तरफ भी ले जाती है. और इसके अलावा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की तरफ अगर आप चले जाएं, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की तरफ चले जाएं, ये ऐसी फील्ड्स हैं जो आपको आईटी और आपको टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएंगी. तो तकरीबन सभी ही एरियाज में इसकी प्रेवलेंस है. ऑलराइट, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रिदा, इंग्लिश इज एवरीवेयर इन शॉर्ट. और ये बात सही है, लेकिन आपने IELTS और TOEFL, मैं से यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, IELTS और TOEFL उन लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है जो मुल्क के अंदर ही रह रहे हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा पार्ट नहीं ले सकते. लेकिन बिल्कुल IELTS की और TOEFL की इम्पोर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते. लेकिन एक और चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि आप इसे करेक्ट करें, इफ़ आई एम रॉन्ग, कि बहुत सारे लोग लैंग्वेज के कोर्सेज करते हैं और वो कहते हैं कि लाइक वी आर एक्सपर्ट, हम यहाँ पर अपनी जो है खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर दे रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जिसने एक लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है, चाहे वो 1 ईयर डिप्लोमा ही सही, और एक वो पर्सन जिसने 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन किया है, देन उसने अप्लाइड या लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स किया है. तो हम इन दो लोगों के दरमियान, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज फॉर अस, अगर हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं और वो बहुत अच्छा बोल रहा है, तो हमारे लिए वो पर्सन बहुत हाईली क्वालिफाइड है. लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोर्स किए हुए बंदे में और एक ग्रेजुएट बंदे में जिसने बाकायदा तालीम हासिल की है इस फील्ड में, तो हम उसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा. और बस पहले आप इसे क्लियर करें, तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, कहीं ज्यादा हो जाएगा तो फिर लिसनर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो कि कहीं खिचड़ी ना बन जाए. तो रिदा, प्लीज, ओवर टू यू. दैट इज एन एक्सलेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से. बहुत से लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है, वो ये कहते हैं कि द पर्सन हु कैन स्पीक वेल इज अ लिंग्विस्ट, और वो उसे उसी तरह से कंसिडर करते हैं. एक्चुअली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु कैन स्पीक अ लैंग्वेज, जो बेसिकली लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है, यानी लिंग्विस्ट होता है. जो पर्सन कोर्सेज वगैरह करता है और मतलब इस तरह की चीज, वो लैंग्वेज तो सीखता है, लेकिन एक लिंग्विस्ट बेसिकली जो चीज सीख रहा होता है, दैट इज द होल प्रोसेस, और किस तरह से लैंग्वेज बनती है, किस तरह से ये ऐसे ही हो जाता है. जैसे एक पर्सन है जो एयरप्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, वो उसे मैन्युफैक्चरिंग उसकी किस तरह से होती है, इस सबसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखता है. और कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है अगर उसमें, तो वो एनालाइज करके बता सकता है. वेर एज जो लैंग्वेज यूजर होता है, दैट इज द पर्सन जो कि एयरप्लेन फ्लाई करता है, और इट्स नॉट नेसेसरी उस पर्सन को उतनी ही एप्टली इंफॉर्मेशन भी हो जो लैंग्वेज कोर्स किया हुआ पर्सन होता है. तो डेफिनेटली जो लिंग्विस्ट होते हैं, उनकी जो एजुकेशन होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो इन्हीं ग्राउंड्स पे होती है कि लैंग्वेज रिलेटेड एस्पेक्ट्स को आपने किस तरह से मैनेज करना है, सोसाइटी में लैंग्वेज किस तरह से प्रोग्रेस करती है. तो इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बेसिकली ऑपरेट कर रही होती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज टीचिंग के एतबार से खास तौर पर जो है वो लिंग्विस्ट को ट्रेन किया जाता है. तो दिस इज मच मोर देन एक्चुअली वो सब जो किसी लैंग्वेज कोर्स में ऑफर किया जाता है, क्योंकि उसमें मेजरली आपकी स्किल्स पर फोकस होता है, सिर्फ प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल्स पर फोकस होता है. अब डेफिनेटली आपकी रिसेप्टिव स्किल्स में आपकी लिसनिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, और प्रोडक्टिव स्किल में आपकी जो है वो स्पोकन और रिटन आ रहा है. लेकिन आपकी एनालिटिकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिंग्विस्टिक्स इज एक्चुअली द बेस्ट. थैंक यू सो वेरी मच रिदा फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल्ड वे. एंड मुझे आपसे इतना सारा कुछ सीखने को मिल रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और लिसनर्स को भी आई होप
बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिल रहा होगा हमारे इस शो के थ्रू विच इज करियर क्राफ्टर. एंड स्पेशली हमने ये डिज़ाइन किया फॉर दोस्त जो कोई ना कोई करियर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या एजुकेशनल अपनी फील्ड को चेंज करना चाह रहे हैं या इंटरमीडिएट के बाद हायर यू नो फॉर ग्रेजुएशन आगे मूव ऑन कर रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कहाँ जाना चाहिए. तो इस शो के थ्रू अगर किसी एक को भी मुझे लगता है गाइडेंस मिल गई ना तो हमारा वो मकसद यहाँ पर पूरा हो जाएगा. ऑलराइट, आज के शो में मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. लेकिन लिसनर्स, आपके लिए अगर आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहें या आप मज़ीद कुछ जानना चाहें किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और करियर के हवाले से, तो आप बिल्कुल अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 0330860072 इज़ द नंबर जहाँ आप अपना फीडबैक दे सकते हैं वॉइस नोट की फॉर्म में या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में, जैसे आप कम्फर्टेबल हों आप कर सकते हैं. इसके अलावा फेसबुक बिल्कुल वहाँ पर भी जा सकते हैं www.facebook.com/naisubahinstitute. ठीक है, मैंने सारे एड्रेसेस बता दिए हैं जिस पर आप लोग चलकर हम तक आ सकते हैं, क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है लेकिन आपके घर के रास्ते में ये बहुत सारे लिंक्स हैं, आप बस क्लिक करें और हम तक आ जाइए. और इससे पहले हम बात कर रहे थे रिदा से कुछ मिथ्स के हवाले से कि कुछ मिथ्स ऐसी होती हैं कि अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लिंग्विस्टिक में डिग्री ले ली है कोई प्रोफेशनल तो आप बस बाहर सेट हो सकते हैं, तो क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ मिथ ही है? तो रिदा से हम इसे कन्फर्म करेंगे और इसके साथ टाइम है काफी शॉर्ट है तो रिदा से मुझे गुड बाय मैसेज लेना है. रिदा, आप वो लोग जो ये कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज, और अकॉर्डिंग टू ये कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए विद रीजन, कंसाइजली आप इसे प्लीज बता दीजिए ताकि इसके बाद हम आपको बाय करें, क्योंकि रिदा को कहीं जाना है और हम अपना शो जो है फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. रिदा, ओवर टू यू. वेल, दैट्स एक्चुअली ट्रू के ये डिग्री और इसकी यूटिलिटी ऐसी है कि इसका स्कोप वाइडर है, लेकिन जो चीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बाहर की तरफ देखें तो आपकी रिसर्च फाउंडेशंस ख़ास तौर पर कितनी स्ट्रॉन्ग है लैंग्वेज में और लैंग्वेज रिसर्च की तरफ आपका इंटरेस्ट कितना है. अब रिसर्च में आपके पास डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, साइकोलिंग्विस्टिक्स है, सोशियोलिंग्विस्टिक्स है और लिंग्विस्टिक्स के सभी फील्ड्स और एरियाज. यानी बाहर जिस चीज़ को वैल्यू किया जाता है वो ये है कि आप जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें खुद किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो फाइन, अगर ये सोचा जाता है कि वो लिंग्विस्टिक्स की डिग्री है डेफिनेटली या इंग्लिश की डिग्री है, आफ्टर यू नो गेटिंग इट यू कैन गो अब्रॉड, लेकिन ये सिर्फ डिग्री नहीं होती, इसके साथ पूरे स्किल सेट्स होते हैं जिन पे आपको काम करना होता है, एंड देन डेफिनेटली यू कैन मेक इट अप. और आपने पूछा किन लोगों को लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन लेना चाहिए किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो मेरे पास तो पर्सनली इसका हमेशा एक बहुत सिंपल सा आंसर होता है कि ये सब चीज़ आउट ऑफ इंटरेस्ट होती है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप और सिर्फ इंटरेस्टेड यही नहीं है कि ओके लिंग्विस्टिक्स इज़ वेरी अट्रैक्टिव तो इस वजह से मुझे बेसिकली इसे करना है क्योंकि इट्स हैविंग वाइडर स्कोप, नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स इनसाइड इट. लिंग्विस्टिक्स आपसे रिक्वायर करती है कि आप बेसिकली स्किल्स आपके पास जो है एनालिटिकल हों, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको इसमें लैंग्वेज को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से देखना होता है. तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च वो एडमिशन ले लेते हैं एंड दे आर इन अ रियल सेंस एलर्जिक टू यू नो ऑल द यू नो अफेयर्स रिगार्डिंग लैंग्वेज. तो अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप एनालिटिकल हैं और अगर आप यू नो इफ यू रियली वांट टू मेक योर वे, क्योंकि पाकिस्तान में टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी अगर करंट ट्रेंड्स और प्रैक्टिसेस की बात करें तो लिंग्विस्टिक्स इज अ न्यू इमर्जिंग फील्ड. It is making its ways, लेकिन आपको कुछ traditional जैसे language teaching और कुछ non-traditional jobs जो हैं वो इसमें मिलेंगी. तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाद में परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि इसका future और जिस तरह से like इसकी practices हैं तो ये आपको highly paid jobs और freelancing जो कि latest trend है और जो कि आपको हाईली पेड जॉब ऑफर करता है तो उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये स्किल्स. तो डेफिनेटली इंटरेस्ट की भी बात है प्लस योर क्रिएटिविटी, और अगर आप
in a genuine sense passionate hai iske bare mein, to this field is certainly for you. And I'd simply like to say ke aise fields ko select karte hue definitely aapka passion to aur aapki research aur is tarah ki career counseling, क्योंकि आप बेसिकली एक फील्ड फॉर स्टडी ही नहीं चूज कर रहे होते, इट्स गोइंग टू स्टे देयर विद यू थ्रू आउट योर लाइफ. और यू नो इट्स रियली गुड टू बी हियर इन द शो. मिस एनी इज डूइंग ग्रेट इन दिस रिगार्ड. इस तरह के शोज डेफिनेटली अवेयरनेस स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं. और ये लैक करती है बेसिकली काफ़ी हमारे इंस्टीट्यूट्स में चीज़ प्रॉपर करियर काउंसलिंग और गाइडेंस. तो दिस इज़ फैंटास्टिक एंड आई लव बीइंग हियर. थैंक यू वेरी मच मिस एनी फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन. एंड या That's it. You're welcome. और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस वक्त यहाँ पर आपके साथ बैठकर ये शो करते हुए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव था. एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड फॉर कमिंग हियर एंड फॉर ज्वाइनिंग अस हियर. थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड. ऑलराइट माय डियर लिसनर्स, ये थी रिदा फारूक और जिन्होंने लिंग्विस्टिक के हवाले से हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, डिटेल्स दी. और आई होप, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी इन फ्यूचर. और अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप इसमें अपना करियर एक्सप्लोर कर रहे थे या कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हम अक्सर सुनने के बाद डिसाइड करते हैं कि ओहो इसका स्कोप है तो हमें ये करना चाहिए, इसका स्कोप है तो यहाँ जाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी हमारे इस शो के बाद, और हमारा पर्पस भी यही था. तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो करियर क्राफ्टर द अनप्लग्ड पाथ? आप लोगों के लिए स्पेशली हमने डिजाइन किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमेशा ये कहते थे कि हमें कहीं कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है. तो करियर काउंसलिंग के लिए लोग अब बाकायदा पे करते हैं और अच्छे स्कूल्स, अच्छे इदारे अपने इदारे में इस तरह के डिपार्टमेंट्स बल्कि उन्होंने बनाए हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली गाइड कर सकें कि कहाँ और किस तरफ और कैसे जाना है उन्होंने. तो हमने भी एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है ताकि हम भी गाइड कर सकें और आप लोगों के लिए अगर कुछ अच्छा और बेहतर कर सकें. मेरे ख्याल इससे अच्छा और इससे बेहतर इनिशिएटिव हो ही नहीं सकता था. तो नई सुबह वेब रेडियो का ये खूबसूरत इनिशिएटिव और हमने अपना ये शो आप तक पहुंचाया. आपका फीडबैक हम तक पहुंचेगा ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग अपनी इस मकसद में कहां तक कामयाब हो सके. तो आप लोगों से मैं इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे स्टेशन डायरेक्टर जो हैं शायान रजा, वो हमें सुन रहे हैं. वो हमेशा हमारा शो सुनते हैं जब हम ऑन एयर होते हैं और आई रियली अप्रिशिएट दिस. इसके अलावा हमारी टेक्निकल टीम जो हमारे साथ है, उनके बगैर ये शो आप तक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन होता है. तो उनका भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. भाई आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है. तो बस जाते जाते हमेशा की तरह, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों दावतों में ज़ाया ना करें. और अगर आपका कोई अपना रूट गया है, नाराज है, तो उसे मना लें कि अब तक कल होना हो, और फिर आप पछताते रहें कि काश मना लेता, काश मना लेती, या काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती. तो इसी अच्छी सी बात के साथ आप लोगों रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है अपनी दुआओं में बहुत सारा याद. जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस फॉर श्योर आप लोगों से मुलाकात होगी. तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता.